अस्सलामुअलैकुम, कुकिंग क्रिएशन एंड ब्लॉगिंग में खुश आमदीद। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब, आज एक नई चीज़ लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों को अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का विज़िट दूंगी। ये मेरे भाई की है माशाल्लाह से, और मैं आप लोगों को सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छी कलेक्शन है। ये देखें, ये ब्राइडल है, ब्राइडल सेट हैं काफ़ी सारे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं ये सारे, और आम इस्तेमाल के लिए भी। ये देखें, बैंगल्स हैं, छोटे छोटे सेट हैं, और जिस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, ये ब्रोचेज हैं, हेयर एक्सेसरीज़ भी हैं, और साथ जो हैं वो बैंगल्स और दूसरे जो हैं वो सेट। ये देखें, ये हेयर एक्सेसरीज़ हैं, पिन्स वगैरह हैं, और बड़ों की भी हैं काफ़ी सारी चीज़ें। ये कैचर, और साथ साथ देखते जाएं आप लोग, खुद ही आप लोगों को समझ आती जाएगी। इस तरह छोटे छोटे सेट हैं, ब्राइडल भी हैं और आम यूज़ के लिए भी हैं। रिंग्स हैं, ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी कलेक्शन है। देखते जाएं साथ साथ आप लोग। ये थोड़ी सी डिफरेंट है उनसे। ये वन स्टोन है, और सिंगल स्टोन वाली, और ये भी है एक ब्राइडल सेट। और इंस्टा पे भी हैं ASJ ज्वेलर्स के नाम से, अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो ऑनलाइन भी कर देते हैं। ये इयररिंग्स हैं, ये नॉर्मल से हैं, यानी कि जिस तरह के लोग पसंद करते हैं, अच्छे वाले भी होते हैं और नॉर्मल भी। और ये तो सबसे प्यारी चीज़, ये एंटीक में देखें, ये है बिंदिया टिक्का जिसको हम कहते हैं। ये भी जो है वो पेंडलम है। ये देखें, ये हेयर एक्सेसरीज़ हैं, और ये पायलें हैं, मुझे बहुत प्यारी लगी। मुझे वैसे थोड़ी सिंपल और जो है वो एंटीक चीज़ें अच्छी लगती हैं, यूनिक जो हों। थोड़ा थोड़ा मैंने व्यू दिया है, बल्कि जिस वीडियो बनाने के बाद जो है वो भाई और भी काफ़ी सारी चीज़ें लेके आया, जिसमें बिंदिया वगैरह बहुत प्यारी थी। मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा जो है वो छोटी सी एक वीडियो उन चीज़ों की लेके ना अपलोड कर दूँ। ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। और ये देखें, ये छोटी छोटी चीज़ें, मुझे तो छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ना तो पहने जाते हैं। और ये बैंगल्स बहुत ही नाइस थी, मैं थोड़ी सी डिटेल में भी दिखाती हूँ। ये वाली तो जो है वो पेंडलम बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत छोटे छोटे और नाइस। ये चौकर सेट है, ये भी हेयर एक्सेसरीज हैं, जो पहले दिखाई थी वो बच्चों के लिए थी, गर्ल्स के लिए, और ये जो है वो बड़ों के लिए है। ये कैचर है, मुझे ज़्यादा ज्वेलरी पहनने की आदत नहीं है। और ये देखें, ये कितना प्यारा लग रहा है। नायस को कहती है क्वीन, मम्मा ये क्वीन है। ये इयररिंग्स हैं, इयररिंग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब कोई फंक्शन वगैरह होता है तो मैं ज़्यादा जो है वो बड़े बड़े इयररिंग्स पसंद करती हूँ, और ज्वेलरी मुझे कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगती। ये देखें, ये भी एंटीक में बहुत ही प्यारे इयररिंग्स हैं। और ये बैंगल सिंगल है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये वाली बैंगल्स भी, ये देखें,
चीज़ वो जो अट्रैक्ट करती है, जो यूनिक हो। मैंने कहा थोड़ा सा पहन के भी चले आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें कितनी वो नाइस है ये वाली ब्रेसलेट। और ये वाली बैंगल्स भी, मतलब इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं जो छोटी छोटी हों और यूनिक हों। और ये देखें हमारी छोटी सी क्वीन, और इरा भी क्वीन बन रही थी। इरा कहती मैंने भी लगाना है, लेकिन इसको ज़रा टिक के खड़े होना बहुत मुश्किल लगता है। लुक एट द फेस। जी वापस आते हैं व्लॉग की तरफ। और बस ये बस मैंने थोड़ा सा व्यू देना था आपको, डिटेल में बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखाया। और भी चीज़ें दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में या